हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन डाला है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी प्रकार से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, नोटिफिकेशन में हम पब्लिक नोटिस में जाते हैं तो उसमें दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है कि नोटिस टू अपसेंट कैंडिडेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स का पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अपसेंट हो गए थे। फिर से बोर्ड ने एक मौका दिया है, अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना रह जाते हैं तो दोस्तों आपसे बाय रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक उनके पास ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है, यानी उनमें स्टाफ नर्स में फीमेल मैक्सिमम है, तो दोस्तों कोई मान लो रिश्तेदार में कोई भी रह सकता है। तो दोस्तों, स्पेशली कहा गया है कि 9/4/2018 से 25/4/2019 के बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे लेकिन जो है एब्सेंट हुए थे। और इंटरव्यू देख सकते हैं दोस्तों 14/5/2019 को होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14/5/2019 के जो HSC का ऑफिशियल जो ऑफिस है पंचकुला में, वहाँ पर होगा 14/5/2019 को। 14/5/2019 को होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फॉर्म भरा था उसका फॉर्म एप्लीकेशन लेके जाना है, एडमिट कार्ड एप्लीकेशन लेकर जाना है, एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम दिया था फॉर्म भरा था वो फॉर्म की भी दोस्तों आपको जो है वे जो एप्लीकेशन फॉर्म बनते हैं वे लेकर जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए थे आपके पास है वे लेकर आपको जाना है और उनकी विद फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 29/4/2019 का नोटिफिकेशन है। ये नया नोटिफिकेशन आया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं एब्सेंट रह चुके थे। तो दोस्तों फिर से मौका मिला है, अगर आपका कोई भी परिवार सदस्य में है स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया था और एब्सेंट चल रहा था तो उनके पास एक बार इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।